तो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे कि वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही है। कैमरा सही लगा है? चल, ओके। गुड इवनिंग राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, गुड इवनिंग। चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे मुकुल चंद्र डे पर, ठीक है ना। मुकुल चंद्र डे, एक अन्य महत्वपूर्ण कलाकार जिनसे परीक्षाओं में सवाल काफी बार पूछे गए। चलिए, मुकुल चंद्र डे। राधे राधे लखन जी। चलिए, पहला सवाल, मुकुल चंद्र डे का जन्म कहाँ हुआ था? मुकुल चंद्र डे का जन्म कहाँ हुआ था? मुर्शिदाबाद में हुआ था, ताजहट में हुआ था, श्रीधर खोला में हुआ था, या ढाका में हुआ था? बताइए, मुकुल चंद्र डे का जन्म कहाँ हुआ था? मुकुल चंद्र डे का जन्म कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले, मुकुल चंद्र डे का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1895 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? श्रीधर खोला में। और ये कहाँ पर है? वर्तमान के बांग्लादेश में। कहाँ पर? वर्तमान के बांग्लादेश में ये स्थित है, ठीक है ना। तो ये है मुकुल चंद्र डे का जन्म, ठीक है ना। वर्तमान में कहाँ पर आता है? ये बांग्लादेश में आता है, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना, कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनका जन्म वर्तमान के पाकिस्तान और वर्तमान के बांग्लादेश में हो रहा है? ज्यादा कलाकार बांग्लादेश वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। चलिए, दूसरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मुकुल चंद्र डे ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? मुकुल चंद्र डे ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? कलकत्ता आर्ट कॉलेज से, शांति निकेतन से, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से, या शारदा चरण उकील कॉलेज दिल्ली से? बताइए, मुकुल चंद्र डे ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? मुकुल चंद्र डे ने कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया? सही उत्तर क्या हो जाएगा? शांति निकेतन के कला भवन से। शांति निकेतन के कला भवन से इन्होंने कला शिक्षा ग्रहण किया। ड्यूरेशन क्या था? 1912 से 1916 ईस्वी के बीच। 1912 से 1916 ईस्वी के बीच इन्होंने शांति निकेतन कला भवन से शिक्षा ग्रहण किया, ठीक है ना। कोलकाता आर्ट कॉलेज में इन्होंने नियमित पढ़ाई नहीं किया है, हालांकि अवनी बाबू के गुरु रहे हैं। अवनी बाबू इनके गुरु रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोलकाता आर्ट कॉलेज में नियमित पढ़ाई नहीं की है, ठीक है ना। हाँ, अवनी बाबू के शिष्य जरूर रहे हैं ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, मुकुल चंद्र डे के कला गुरु कौन थे? मुकुल चंद्र डे के कला गुरु कौन थे? बताइए, आसित कुमार हालदार, अवनी बाबू, नंदलाल बोस, या इनमें से सभी? मुकुल चंद्र डे के कला गुरु, मुकुल चंद्र डे के कला गुरु कौन थे? आसित कुमार हालदार, अवनी बाबू, नंदलाल बोस, या इनमें से सभी? चलिए,
फटाफट सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई कह रहा कि सर अभी तो आपने बता दिया इस सवाल से पहले है और आपने वही उत्तर बता दिया। यहां पर साथियों, हाँ अच्छा, यहां पर साथियों लिखा हुआ है इनमें से सभी, और यही सही है। इनके कला गुरु हालदार साहब भी हैं, अवनी बाबू भी इनके कला गुरु हैं, और नंदलाल बोस भी इनके कला गुरु हैं। ठीक है ना? हाँ चलिए, तो इन्होंने इन तीनों से कला शिक्षा ग्रहण किया है, इसलिए इनमें से सभी सही हो जाएगा। चलिए, इस बीच में एक लोग वैकेंसी की मांग हमसे कर रहे थे, गुस्सा गलत जगह पर दिखा रहे थे, हैं हमने ब्लॉक कर दिया। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि सही सवाल सही जगह पर पूछिए, तो ठीक है। अब वैकेंसी पूछ रहे हैं कब आएगी, जो आया उसका एग्जाम नहीं हुआ है, गलत बात है ये। चलिए, आसित कुमार हालदार और नंदलाल बोस कह रहे हैं कि इनके सहपाठी थे। अच्छा, आसित कुमार हालदार और नंदलाल बोस ने कला शिक्षा कहाँ ग्रहण किया है? आसित कुमार हालदार और नंदलाल बोस ने कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया है? बताइए, आप ही बताइए। कलकत्ता आर्ट कॉलेज से ग्रहण किया है ना, और ये कहां से पढ़ रहे हैं? शांति निकेतन से शिक्षा ले रहे हैं। आप बताओ, आपने एक तरफ बताया कि शांति निकेतन से इन्होंने शिक्षा लिया है, फिर आप कह रहे हो कि ये सहपाठी हैं नंदलाल बोस और आसिफ कुमार हालदार के। ठीक है, इनके सहपाठी नहीं थे, इनसे काफी सीनियर थे। 1905 में पढ़ने आए हैं नंदलाल बोस साहब, 1906 में पढ़ने आए हैं हालदार साहब। कला के जो बड़े डिग्रियां हैं 4 साल 5 साल की होती हैं। मान लो 5 साल की डिग्री ले ली तो दो उन जो है 1910 में तो ये लोग पास हो गए, और ये पढ़ने कब आ रहे हैं? 1912 1913 में। तो उनके सहपाठी कैसे हो जाएंगे? 4 साल की डिग्री डे साहब ने भी लिया ना, 12 से 16। नहीं, आप ही बताइए कि या तो पहले वाले सारे तथ्य गलत है, तब तो ये मैं मान लूं सही है। आप बताइए कि कोई तर्क बनता है? नहीं बन रहा है। जो डिग्री शांति निकेतन से प्राप्त होती कला की, 4 साल की डिग्री, नहीं मैं नहीं मैं आप मैंने एक भी बार ये नहीं कहा कि जो आप कह रहे हो वो गलत है। मैंने तो बस आपसे पूछा है, उसके आधार पर व्याख्या कर रहा हूं। देखिए, मैं कभी भी इतिहास के सवाल में किसी से भी मैं नहीं उलझता हूं, क्योंकि इसमें है दिक्कत, है किताबों में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, किताबों में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है ना? और इसलिए उलझना इसमें बुद्धिमानी नहीं है, सुलझाना बुद्धिमानी है कि सुलझाया जाए उसको। कोई तार्किक आधार मिलता है तो फिर जरूर उसको देखा जाएगा। ठीक,
डॉक्टर रीता प्रताप के ऊपर मुझे बहुत भरोसा नहीं है, उसकी वजह से कई हमारे स्टूडेंट फेल हो गए हैं, हाँ, जो उस समय हमारी बात नहीं मान रहे थे वो फेल हो गए कई लोग, तो उसमें गलत लिखा हुआ है, बहुत सारा गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, मुकुल चंद्र डे ने एचिंग की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? मुकुल चंद्र डे ने एचिंग की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? बताइए, मुकुल चंद्र डे ने एचिंग की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? जापान से, फ्रांस से, अमेरिका से या इंग्लैंड से? नहीं, देखिए ऐसा है कि कला में दिक्कत है, हम लोग या कुछ और नए जो लोग आए हैं कला में तार्किकता लाने का प्रयास कर रहे हैं कि बात कुछ भी आप रटाओगे तो नहीं रटेंगे, तार्किक सवाल पूछेंगे, और मैं खुद इस बात का पक्षधर हूँ कि मेरे से तार्किक सवाल आप लोग पूछिए, मुझे प्रसन्नता है और मैं खोजने का खुद प्रयास करता हूँ, लेकिन हमारी सीमाएं निर्धारित हैं, क्योंकि हम कोई कला में रिसर्च करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, ना हमारे पास कोई किसी की लिखी हुई पांडुलिपि है या कोई रिसर्च पेपर है जिसके आधार पर हम कोई अपनी बात मजबूती से कह पाए, हमारे पास भी लिमिटेड सोर्स होते हैं, उन लिमिटेड सोर्स के आधार पर ही जो सही लगता है कई जगह पर मिला करके वो आपको मैं डिलीवर करता हूँ, और कई मैं इस बात की गुंजाइश हमेशा रखता हूँ कि इतिहास में आपको अलग अलग विचार मिल सकते हैं, और विशेषकर कला इतिहास में तो बहुत ज़्यादा, तो हमेशा इस बात की गुंजाइश मैं रखता हूं कि ठीक है, अगर कुछ ऐसा है तो उस पर हम लोग बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों ने जिन सोर्सों से पढ़ा है मुझे एक बार व्हाट्सएप करिएगा, मैं भी एक बार उसको देखूंगा, आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? चलो इस सवाल पर आते हैं, मुकुल चंद्र डे ने एचिंग की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? पहली बात, मुकुल चंद्र डे भारत में एचिंग को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले व्यक्ति हैं, तो भारत में एचिंग के पहले कलाकार हैं। एचिंग का मतलब क्या होता है? उत्कीर्ण कला, ठीक है ना, उत्कीर्णन किया जाता है इसमें, उत्कीर्ण कला। हाँ, तो इन्होंने कहाँ से सीखा है साथियों? इन्होंने सीखा है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। एचिंग कला इन्होंने कहाँ से सीखा है? अमेरिका से सीखा है, ठीक है ना? हाँ चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, शिकागो सोसाइटी ऑफ एचर्स ने अपनी सदस्यता से मुकुल चंद्र डे को कब नवाजा? शिकागो सोसाइटी ऑफ एचर्स ने अपनी सदस्यता से मुकुल चंद्र डे को कब नवाजा? 1922 में, 1917 में, 1924 में या 1942 में? बताइए। चलिए फटाफट सभी लोग रिप्लाई करेंगे। चलिए सही उत्तर क्या होगा? 1917 ईस्वी। जिन लोगों ने ऑप्शन बी बताया है उनका सही है, बाकी जो लोग सी बता रहे हैं उनका गलत है। 1917 सही होगा, ठीक है ना? 1917 में इनको शिकागो सोसाइटी ऑफ एचर्स ने अपनी सदस्यता से सम्मानित किया, और ये सम्मान क्यों दिया गया था? ये एचिंग के बड़े अच्छे कलाकार हुए, और चूंकि इन्होंने पढ़ाई भी अमेरिका से किया था एचिंग का, तो उन लोगों ने बुला करके इनको सम्मानित किया 1917 ईस्वी में, ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। मुकुल चंद्र डे ने सबसे पहले कला अध्यापक के रूप में कहाँ शिक्षा प्रदान किया? मुकुल चंद्र डे ने सबसे पहले कला अध्यापक के रूप में कहाँ शिक्षा प्रदान किया? कलकत्ता आर्ट कॉलेज में, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में, शांति निकेतन में या मद्रास आर्ट कॉलेज में? बताइए।
मुकुल चंद्र डे ने कला अध्यापक के रूप में सबसे पहले कहाँ पर पढ़ाया? चलिए फटाफट सभी लोग रिप्लाई करेंगे। सत्या शुक्ला पूछ रहे हैं एचिंग क्या होता है। एचिंग मतलब होता है उत्कीर्ण कला, उत्कीर्ण कला, ठीक है ना, हिंदी में उत्कीर्ण। चलिए तो मुकुल चंद्र डे ने सबसे पहले कला अध्यापक के रूप में शिक्षा कहां पर प्रदान किया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शांति निकेतन में। ऑप्शन यहां, अरे ये तो ये भी सी डी गलत लिखा हुआ है, ये सी होगा ये डी होगा। हाँ शांति निकेतन में, ऑप्शन सी सही होगा, शांति निकेतन में, ठीक है ना। जब ये अमेरिका से वापस लौटे तो नंदलाल बोस ने इनको बुला लिया शांति निकेतन में अध्यापन का कार्य करने के लिए। तो ऑप्शन सी सही होगा, शांति निकेतन। ये बहुत बाद में कलकत्ता आर्ट कॉलेज में जाते हैं, ठीक है ना। हाँ कलकत्ता आर्ट कॉलेज में काफी बाद में जाते हैं। इनको सबसे पहले कहां पर मौका मिला? शांति निकेतन में, मास्टर मोसाय नंदलाल बोस के साथ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, मुकुल चंद्र डे ने किस गुफा की अनुकृति नहीं बनाई है? मुकुल चंद्र डे ने किस गुफा की अनुकृति नहीं बनाई है? अजंता, बाघ, शिगरिया या एलोरा? मुकुल चंद्र डे ने किस गुफा की अनुकृति नहीं बनाई है? मुकुल चंद्र डे ने किस गुफा की अनुकृति नहीं बनाई है? मुकुल चंद्र डे ने किस गुफा की अनुकृति नहीं बनाई है? चलिए उत्तर वो जो आपका हो, है ये नहीं कि किसी का उत्तर देख करके विचार आपके बदल जाए। उत्तर वो जो आपका हो। हाँ तो अजंता की बनाई है इन्होंने, बिल्कुल ठीक बात है। बाघ की भी बनाई है, और किसकी बनाई है? हाँ चित्तन वासल की भी बनाई है, सिगरिया की भी बनाई है, एलोरा का नहीं बनाया है, ठीक है ना। यहां पर एक नाम और ऐड कर लीजिए, सित्तन वासल। एलोरा का नहीं बनाया है, ठीक है ना। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, एलोरा का इन्होंने नहीं बनाया है। ठीक है ना, एलोरा का इन्होंने नहीं बनाया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, मुकुल चंद्र डे ने स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला कब लिया? मुकुल चंद्र डे ने स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला कब लिया? 1921 में, 1929 में, 1924 में या 1942 में? मुकुल चंद्र डे ने स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला कब लिया? अब ये स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट है कहाँ? ये है साथियों इंग्लैंड में। कहाँ पर है ये? इंग्लैंड में है, और इनको इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति मिल गया था। क्या? छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप मिल गया था। तो सवाल ये है कि इन्होंने स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट इंग्लैंड में दाखिला कब लिया? कोई आइडिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आइडिया लीजिए, परीक्षा में गलती मत करिए, यही है तैयारी का मतलब, ठीक है ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1921 ईस्वी। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 1921, 1921 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, मुकुल चंद्र डे ने कलकत्ता आर्ट कॉलेज, नहीं नहीं लिखा हुआ है,
मुकुल चंद्र डे कलकत्ता आर्ट कॉलेज के प्राचार्य कब बने? 1922 में, 1928 में, 1924 में या 1942 में? मुकुल चंद्र डे कलकत्ता आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल कब बने? मुकुल चंद्र डे कलकत्ता आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल कब बने बताइए। उन्नीस सौ बाईस, 1928, 1924 या 1942? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी में ये कलकत्ता आर्ट कॉलेज के प्राचार्य बने और ये प्रथम भारतीय अस्थाई प्राचार्य थे। हाँ, प्रथम भारतीय अस्थाई प्राचार्य, प्रथम भारतीय अस्थाई प्राचार्य, क्योंकि इससे पहले अवनी बाबू प्राचार्य रह चुके हैं लेकिन वो कार्यवाहक प्राचार्य थे, ठीक है ना, वो कार्यवाहक थे, अस्थाई नहीं थे। 1905 से 1909 के बीच में वो कलकत्ता आर्ट कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य थे जब वहां पर कोई प्राचार्य नहीं था। फिर 1909 में आगे परसीव राउन साहब और वो 1927 तक रहे। 1928 में मुकुल चंद्र डे बनते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, 1928 ईस्वी। मुकुल चंद्र डे के भाई और बहन भी बड़े कलाकार हैं। नाम अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में बताइए, नहीं तो हम बताते हैं। हाँ, मुकुल चंद्र डे के भाई और बहन दोनों बड़े कलाकार हैं। अगर उनका नाम आप लोग जानते हैं तो चैट बॉक्स में बताइए, नहीं तो हम बताते हैं, फिर अगले सवाल पर चलेंगे। अभी मुझे ध्यान आया तो मैंने पूछ लिया आपसे। हाँ, मनीषी डे और बहन रानी चंदा, वेरी गुड। इनके भाई थे मनीषी डे और बहन रानी चंदा। हाँ, मनीषी डे और रानी चंदा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला सवाल है, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से मुकुल चंद्र डे को मानद डॉक्टरेट की उपाधि कब मिली? 1980, 1987, 1967 या 1942? मानद डॉक्टरेट की उपाधि इनको विश्व भारती विश्वविद्यालय से कब मिला? बताइए। सही उत्तर क्या होगा? उन्नीस सौ सतासी ईस्वी में, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1987 ईस्वी में इनको रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया गया, 1987 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है ना, 1987 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, मुकुल चंद्र डे की मृत्यु कब और कहाँ हुई बताइए आप लोग। मुकुल चंद्र डे की मृत्यु कब और कहाँ हुई? मुकुल चंद्र डे की मृत्यु कब और कहाँ हुई? मुकुल चंद्र डे की मृत्यु कब और कहाँ हुई? उन्नीस सौ नवासी ईस्वी में हुआ, 1800 नहीं होगा, 1989, 1989 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई और कहां पर हुई? हाँ,
कोलकाता यानी कि कलकत्ता में इनकी मृत्यु हुई। कहां पर? कलकत्ता में, ठीक है ना। 1989 ईस्वी में कलकत्ता में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये है मनीषी डे का पूरा एक ओवरव्यू। जाहिर सी बात है कि एक ही क्लास में सारे सवाल उनसे कवर नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमने जितने महत्वपूर्ण पॉइंट है मुकुल चंद्र डे के बारे में उनको इस क्लास में टच करने का प्रयास किया, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर सवाल आप गलत नहीं हुए होंगे, फिर भी आप लोग एक बार बता दीजिए कितने सवाल आपके सही हुए। एग्जाम का अभी कोई डेट नहीं है और उसको बार बार पूछना और मुझे बताना भी अच्छा नहीं लगता, दुख होता है, कष्ट होता है, ठीक है ना। मैं भी चाहता हूँ जल्दी एग्जाम हो जाए, फुर्सत मिले, थोड़ा दिन रेस्ट करूँ, उसके बाद भी फिर नए स्टूडेंट आएंगे, उनसे पढ़ाई लिखाई की बात आगे बढ़ेगी। हाँ कुछ नए हमारे साथीगण अध्यापक बन करके किसी विद्यालय में जाएंगे, कला को आगे बढ़ाएंगे। छह गलत हो गए तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है साथियों, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे सुबह 8 बजे लल्लन टॉप रिवीजन में। आप सभी का उस क्लास में स्वागत है, मैं पहले ही न्योता दे देता हूँ। सब लोग सुबह 8 बजे मिलेंगे लल्लन टॉप रिवीजन क्लास में। इस क्लास में साथियों इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।